अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हाउ आर यू? क्लास 10। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर फ्रॉम पेज नंबर 74। 74 पेज पर वी हैव टू कवर द टॉपिक ऑफ फिशिंग। ठीक है, यस्टरडे वी हैव कवर्ड लाइव स्टॉक, हमने मवेशी पालना जो है वो पढ़ा था, लास्ट टॉपिक। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक फिशिंग। फिशिंग जो है जिसे हम उर्दू में माहीगीरी बोलते हैं, वो हमने आज स्टार्ट करना है। ठीक है जी, तो फिशिंग जो है वो पाकिस्तान का ओल्डेस्ट प्रोफेशन है, सबसे पुराना प्रोफेशन है। और फिश फार्मिंग जो है इज एन आर्टिफिशियल मेथड फॉर रिप्रोडक्शन पर्पसेस। और जो माहीगीरी है, जो फिशिंग है, वो मछलियों की जो रिप्रोडक्शन है, मछलियों की जो अफजाइश है नस्ल की, उनकी नस्ल को बढ़ाने का जो तरीका है, दैट इज सपोज टू बी द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। वो एक आर्टिफिशियल मीन्स है मछलियों को प्रोड्यूस करने, रिप्रोड्यूस करने का। एंड फिश प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम एंड ओवरकमिंग द स्कार्सिटी ऑफ फूड। और हमारे फूड की जो स्कार्सिटी है, कमी है, उसको दूर करने के लिए, उसकी जो कमी है उसको पूरा करने के लिए, और पाकिस्तान की जो नेशनल इनकम है उसको बढ़ाने के लिए, और जो हमारा फूड है, खुराक है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमारा जो फिशिंग सिस्टम, ठीक है जी, और जो फूड है उसके ऊपर जो स्ट्रेन है पाकिस्तान के ऊपर, उसको कम करने के लिए हम फिश को यूज करते हैं एज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिशनल फूड। ठीक है, हमारे फूड की कमी को पूरा करने के लिए हम फूड को, फिश को अपने खाने में ऐड करते हैं। और ये मटन और जो बीफ है उसकी जो, और पोल्ट्री जो हमारा चिकन है, उसके ऊपर जो प्रेशर है, उसकी जो डिमांड है, उसके ऊपर जो लोड है, उस लोड को कम करता है ये फिश। ठीक है, क्योंकि सर्दियों में हम लोग बहुत ज्यादा फिश जो है वो लोग यूज करते हैं, तो वो किस चीज को कंट्रोल करता है, वो हमारी बाकी जो हमारे फूड सोर्सेज हैं, जिसमें हमारा मटन, हमारा जो है वो बीफ और हमारा चिकन, उसके ऊपर लोड को कम करते हैं। और जो हमारे सर्वे हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 4 लाख जो फिशर्स हैं, फिशरमैन जो हैं, और उनकी फैमिलीज जो हैं, वो इस प्रोफेशन से रिलेटेड है। और मछली, फिश जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इंसान की गजाई जरूरियात के लिए, और इसको एक एसेंशियल सोर्स ऑफ प्रोटीन जो है, प्रोटीन का एक अहम, प्रोटीन हासिल करने का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट जरिया है। और पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं, जो पाकिस्तान के कोस्टल एरियाज हैं, दे आर वेरी फेमस फॉर देयर श्रिम्स, जो उनका झींगा और दूसरी काइंड ऑफ फिश है, उसके लिए द कोस्टल एरियाज ऑफ पाकिस्तान आर वेरी फेमस। और पाकिस्तान के जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं और फिशेज हैं पाकिस्तान की, वो तकरीबन 5 लाख टन पर एनएम जो है वो फिश उसको प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है जी, अब है नेक्स्ट टॉपिक इज पैट्रनाइजेशन, पैट्रन ऑफ मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में जो मॉडर्नाइजेशन है, जो हमारी जिद्दत है, वो क्या है, जदीदियत क्या है, जो हमारी एग्रीकल्चर में जो मॉडर्नाइजेशन है वो क्या है, द यूज ऑफ मशीन्स एंड फर्टिलाइजर्स। हम पैटर्न्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन को वी कैन अडॉप्ट टू रेज आर एग्रीकल्चर, अपने एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए हम उसे मॉडर्न करते हैं। और सबसे पहले हम यूज करते हैं मशीन्स और खाद, खाद को, खाद खाद और हमारी मशीनों का जो यूज है उसको इम्प्रूव करते हैं। और पाकिस्तान में देर हैज बीन एन इंक्रीज इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर ड्यू टू द यूज ऑफ मशीन्स। और मशीन्स की वजह से पाकिस्तान की जो
में जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है, वो बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ गई है। और पाकिस्तान में जो जमीन की तैयारी और काश्त है वो अब ट्रैक्टरों के जरिए और ड्रिल्स के जरिए इस्तेमाल होती है, और इसके लिए जो है कटाई के लिए कंबाइन हार्वेस्टर्स का इस्तेमाल और जमीन को लेवल करने के लिए लेजर लैंड लेवलिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, और बेहतरीन खादों की मदद से भी फीएक्टर पैदावार में इजाफा हो रहा है। अब ये कंबाइन हार्वेस्टर जो है ये क्या करते हैं, कंबाइन हार्वेस्टर जो होते हैं ये एक वर्सेटाइल मशीन होती है जो इफेक्टिवली जो है वो ऐसे डिजाइन की जाती है कि वो हार्वेस्ट कर सकें, कटाई कर सकें, पिक कर सकें वैरायटी ऑफ ग्रीन क्रॉप्स को। क्रॉप्स की कटाई के लिए ये एक मॉडर्न मशीन है जिसे हम कंबाइन हार्वेस्टर बोलते हैं, और जो लेजर लैंड लेवलिंग टेक्नोलॉजी है ये एक प्रोसेस है टू स्मूदन द लैंड सरफेस फ्रॉम इट्स एवरेज एलिवेशन। जो जरा सी उभरी हुई और ऊंची लेवल्ड लैंड्स, ऊंची लैंड्स होती हैं उनको स्मूथ करने के लिए ये एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। इससे हम अपना डिजायर्ड जो होता है लेवल वो हासिल कर लेते हैं। ठीक है, तो मशीनों और अच्छे फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से हम मॉडर्न एग्रीकल्चरल जो है कल एग्रीकल्चर जो है उसको फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर है हमारा यूज ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स। अगर हम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर जो गुड क्वालिटी सीड्स हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं पाकिस्तान में, और ये हेल्प करते हैं इन इंक्रीजिंग आर पर एकर यील्ड ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स। हमारी डिफरेंट क्रॉप्स की जो पर एकर प्रोडक्शन है वो उसको बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड सीड्स आर प्रिपेयर्ड इनसाइड द कंट्री एज वेल एज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। और सीड्स जो हैं वो कंट्री के अंदर भी हमारे पास जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, और हम अच्छे सीड्स जो हैं फसलों की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए जो सीड्स हैं वो दूसरे मुल्कों से भी इम्पोर्ट करते हैं, और सीड्स आर प्रिपेयर्ड इन, ठीक है, और हम दूसरी कंट्री से भी उनको हासिल करते हैं सो दैट वी कैन गेट गुड क्रॉप्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पेज, पेज टर्न करें। अगले पेज पर है पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स कीड़े मार दवाइयां। हमारी कीड़े मार अद्वियात जो हैं, हमारी पेस्टिसाइड्स जो हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं टुवर्ड्स द मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर। हमारी ज़राअत में जो मॉडर्न ट्रेंड है उसमें जो कीड़े मार दवाएं हैं वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। जो हमारा क्लाइमेट है पाकिस्तान का वो सूटेबल है फॉर प्रोमोटिंग क्रॉप डिजीजेस। वो यहाँ का जो मौसम है वो, यहाँ की आबो हवा जो है वो फसल की जो बीमारियां हैं, जो क्रॉप डिजीजेस हैं और जो हमारे कीड़े मकोड़े हैं उनके लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव हैं, बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं क्रॉप डिजीजेस को और कीड़ों की ग्रोथ को। और जो हमारी पेस्टिसाइड्स हैं वो पाकिस्तान में बन रही हैं और एंड आल्सो इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड, और वो मुल्क के बाहर से भी हमें मिलती हैं। और दीज स्टेप्स आर टेकन टू गेट रिड ऑफ क्रॉप डिजीजेस। और हम क्यों ये कीड़े मार दवाएं और ये जो है ये चीजें इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान से में भी बन रही हैं, ताकि हम छुटकारा हासिल कर सकें, हम गेट रिड ऑफ क्रॉप डिजीजेस, जो फसलों की बीमारियां हैं उससे छुटकारा हासिल करें और हम अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाएं। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि हमारा जो सिस्टम ऑफ इरिगेशन है, जो हमारा आपाशी का निजाम है, जो फसलों को पानी पहुंचाने का जो हमारा सिस्टम है उसको भी हम उसमें भी बेहतरी लाकर हम मॉडर्न क्रॉप्स हासिल कर रहे हैं। और जो इरिगेशन सिस्टम है पाकिस्तान का उसने बहुत ज्यादा इम्प्रूव किया है थ्रू डेवलपिंग द
कैनाल सिस्टम, अपनी कैनाल सिस्टम को इम्प्रूव करके जो है वो हमने इरिगेशन का सिस्टम अपना इम्प्रूव किया है। और हम किस तरह इसको इम्प्रूव करते हैं, हम इसको कैनाल्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करते हैं बाय इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ डैम्स। हम अपने डैम्स को, पानी को स्टोर करके डैम्स में हम अपने जो इरिगेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करते हैं और डैम्स को, नए डैम्स को बनाते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर। और इससे हमारा जो अंडर कल्टीवेशन एरिया है वो बढ़ जाता है और ऑल्सो हमारी प्रोडक्शन भी हैज बीन इंक्रीज। और इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूटरीज, जो हमारे पुराने रिवायती वाटर कोर्सेज हैं, खाले हैं, जो हमारे पुराने जो डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, जो हमारी जो लेक्स और स्ट्रीम्स, जो नदी नाले जो हैं, वो जो पुराने तरह तरह के वाटर कोर्सेज हैं, उनकी बजाय हम अपनी आपाशी को, इरिगेशन को इम्प्रूव्ड और मॉडर्न जो वाटर कोर्सेज हैं के जरिए हम उनको इम्प्रूव किया है और बेहतर बनाया है। और इकोनॉमिकल मेथड्स जो हैं, इकोनॉमिकल मेथड्स जो हैं हमारे, जो हमारे जो जो हम बहुत ज्यादा जिनसे सेविंग्स जो है, किफायती जो हमारे मेथड्स हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर्स, वो भी हम इरिगेशन में यूज करते हैं। ड्रिप और स्प्रिंकलर्स जो हैं, ड्रिप और स्प्रिंकलर जो है वो 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 हमारे जो है वो मेथड्स हैं टू इम्प्रूव द इरिगेशन। और ड्रिप इरिगेशन जो है वो पानी को सेव करने का पोटेंशियल है और पानी को हम अलाउ करते हैं ड्रिप करना स्लोली, थोड़ा थोड़ा, जैसे कहते हैं ना ड्रिपिंग, जिस तरह ड्रिप लगती है, तो वो ड्रिप एकदम तो सारी हम आपकी बॉडी में नहीं ना कन्वर्ट कर देते इंसान की, थोड़ा थोड़ा एक एक ड्रॉप की फॉर्म में जाता है। उसी तरह ड्रिप इरिगेशन जो है वो स्लोली पानी की रूट्स को, पौधों की रूट्स को प्रोवाइड करते हैं पानी को, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा पानी जो है, कंट्रोल्ड डिलीवरी ऑफ वाटर जो है वो थ्रू ड्रिप इरिगेशन वो जाता है स्लो एंड स्टेडी फॉर्म में, थोड़ा थोड़ा, और रेगुलर सप्लाई जो है वो रूट्स को मिलता रहता है पानी का, उसे ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। और जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होती है, ये एक ऐसा मेथड होता है जो अप्लाई करता है पानी को, जो बिल्कुल सिमिलर होता है एज अ नेचुरल रेनफॉल, जिस तरह हमारे वॉशरूम्स में आपके जो है वो शावर्स लगे होते हैं, तो शावर से एकदम टैप की तरह पानी नहीं आता बल्कि स्प्रिंकल होकर, बिखर कर थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो आपको मिलता है। उसी तरह जो हमारे स्प्रिंकलर इरिगेशन है, उससे भी हमें पानी जो है वो थोड़ी मिकदार में, फवारे की फॉर्म में, या नेचुरल जिस तरह बारिश हो रही होती है उसकी फॉर्म में हमें पानी जो है वो मिलता है, ठीक है। और ये हम इरिगेशन में यूज कर रहे हैं, पानी फसलों को प्रोवाइड करने के लिए हम यूज कर रहे हैं, और ये बहुत इफेक्टिव मेजर्स हैं। इससे पानी भी सेव होता है और हमारी फसलों को रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर भी मिलती रहती है। उसके बाद है वाटर लॉगिंग एंड सिलिनिटी, जिसे हम सीम और थोड़ बोलते हैं। वाटर लॉगिंग क्या होती है, जेरे जमीन पानी की लेवल बढ़ जाना, जिससे हमारी पौधों की जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, तो जेरे जमीन पानी का ज्यादा हो जाना जो है दैट इज अ वाटर लॉगिंग। और जो हमारे पानी में सॉल्ट कंटेंट हो जाता है उसका इंक्रीज होना जो है दैट इज कॉल्ड सेलेनिटी, उसको सेलेनिटी बोलते हैं, जिसे हम थोर बोलते हैं, जो व्हाइट व्हाइट आ जाते हैं ना पुरपुरी सी सारी, वो सेलेनिटी होती है, वो पानी का जो नमक होता है, वाटर कंटेंट होता है, वो सारा स्टोर हो जाता है पानी की लेवल पर, सतह पर, ठीक है जी। और डिफरेंट प्लान्स जो हैं वो बनाए गए हैं टू रिक्लेम अ वास्ट एरिया ऑफ लैंड एंड मेक इट कल्टिवेबल। जो हमारे सेम और थोड़ है, सेलेनिटी और वाटर लॉगिंग है, उसको कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हमने बनाए हैं, ताकि टू मेक आर लैंड मोर एंड मोर कल्टिवेबल, को ज्यादा से ज्यादा काश्त के काबिल बनाने के लिए। और स्टेप्स हैव बीन टेकन टू अवॉइड वाटर
वाटर लॉगिंग एंड फर्दर एरियाज, ठीक है। और हम वाटर लॉगिंग को रोकने के लिए भी, कि आगे वो फर्दर लैंड को डैमेज ना करे, उसके लिए भी हमने हम जो है वो डिफरेंट प्लान्स जो है, स्टेप्स जो है वो बनाए गए हैं। उसके बाद न्यू रोड्स बनाई गई हैं ताकि फार्मर जो हैं उन्हें जो जो डिफिकल्टी है अपनी क्रॉप्स को मार्केट तक ले जाने के लिए, उसको ओवरकम किया जा सके, उसे कम किया जा सके। और इस पर्पस के लिए जो नई रोड्स हैं वो जो है वो बिल्ड की गई हैं डिस्टेंस एरिया के ऊपर, बाहर में हम, ठीक है जी। जो हमारे नए रोड्स हैं वो बनाए गए हैं ताकि हमारे जो मेजर जो फसलें हैं उनकी जो प्रोडक्शन है वो मार्केट तक पहुंचाने के लिए वो जो फार्मर है उसको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए, ठीक हो गया। उसके बाद है मेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर। जो हमारे मेन, अब हमने पढ़ना है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को कौन कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी जो है वो मेन जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं वो एसोसिएटेड है हमारी ज़राअत, हमारे एग्रीकल्चर। क्लियर बेटा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जो प्रॉब्लम हमें बहुत ज्यादा फेस करना पड़ता है वो है हमारे जो एग्रीकल्चर को, वो है जो लैक ऑफ एग्रीकल्चरल इनपुट। फार्मर जो हैं दे आर विक्टिम ऑफ बैकवर्डनेस, वो हम वो जो पसमानदगी का शिकार है वो बैकवर्ड है। दे आर रिलक्टेंट टू यूज द मॉडर्न मीन्स ऑफ इरिगेशन, वो बहुत ज्यादा रिलक्टेंट होते हैं, वो बहुत ज्यादा जो है वो बैकवर्ड है उन्हें मॉडर्न मशीन्स को यूज करना और मॉडर्न जो हमारे सोर्सेज हैं इरिगेशन के उनको यूज करना जो है वो मुश्किल लगता है। और देयर फाइनेंशियल कंडीशन इज पुअर, उनकी जो माली हालत है वो बहुत ज्यादा कमजोर होती है। और जो लोग वो, हम ये कह सकते हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि दोज पीपल हु प्रोवाइड फूड फॉर अदर्स, जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, दे आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट फूड फॉर देमसेल्व्स, उन्हें अपने लिए खाने को नहीं होता, वो इतने गरीब हैं। और द प्रोक्योरिंग एंड यूजेज ऑफ द फॉलोइंग थिंग इज डिफिकल्ट फॉर एन एवरेज फार्मर, एंड फॉर एन एवरेज फार्मर इट्स डिफिकल्ट टू buy good quality seeds, to use good modern machinery because he is very poor. तो उस वो ये चीजें यूज नहीं कर पाता, और जो केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, वो इन चीजों को मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन और मॉडर्न मशीनरी जो है उसको यूज नहीं कर पाता, ठीक है जी। उसके बाद है इनएफिशिएंट यूज ऑफ कल्टीवेबल एरिया। और दूसरे नंबर पर जो हमारा प्रॉब्लम अराइज होता है हमारे फार्मर्स को, वो है कि जो हमारा कल्टीवेबल एरिया है वो उसको हम यूज नहीं कर पाते पूरा, वो काबिले काश्त जो रकबा है इनएफिशिएंट यूज है उसका, गैर मौसर इस्तेमाल हम उसका करते हैं। और पाकिस्तान में जो हमारी देर इज नो प्लानिंग टू ब्रिंग लैक्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड जो है उसको कल्टीवेशन, जो हम जिस पर हम कल्टीवेट कर सकते हैं उस पर हम उसको हम जेरे काश्त नहीं ला पाते ड्यू टू मेनी रीजंस। और क्या वजह होती है, बेसिकली हमारे पास रीजन ये होता है कि हम इतने बड़े एरिया को इसलिए यूज नहीं कर पाते कि वी डोंट हैव सफिशिएंट कैपिटल, हमारे पास इतना पैसा नहीं होता फार्मर्स के पास, और हमारे पास प्रॉपर मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं होते जो हम बहुत ज्यादा बड़े एरिया को कल्टीवेट नहीं कर पाते उसके ऊपर। और अगर हम टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, अ लार्ज पोर्शन ऑफ लैंड इज लेफ्ट एम्प्टी एवरी ईयर, और पानी की कमी की वजह से
जो हमारी इरिगेशन जो हमारी फर्टिलिटी है लैंड की, उसकी कमी की वजह से हमारा बहुत ज्यादा एरिया जो है वो जो हर साल वो रह जाता है, जिसे हम कल्टीवेट नहीं कर पाते। नेचुरल डिजास्टर्स, और बहुत सारे हमारे हमें मुल्क में नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं, कुदरती आफात आ जाती हैं, जैसे मुल्क में हमारे फ्लड्स हैं, अर्थक्विक्स हैं, स्टॉर्म्स हैं, ड्राउट हैं। ड्राउट होता है खुश्कसाली, जब आपकी फसल सही तरह ना प्रोड्यूस हो पाए। और वो क्या चीज करते हैं, दे कॉज प्रॉब्लम्स फॉर फार्मर्स, ये फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और दीज प्रॉब्लम्स जो हैं, दीज कॉसेस जो हैं, दे कॉज सिवियर डैमेज टू द क्रॉप्स। और ये हमारे नेचुरल जो डिजास्टर्स हैं, ये हमारी जो फील्ड्स हैं उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज इनएडिक्वेट इरिगेशनल फैसिलिटीज। और हमारे मुल्क में जो ना काफी जो है वो इरिगेशनल फैसिलिटीज हैं, ना काफी आबाशी की जो सहूलियात हैं, उसकी वजह से भी हमारा फार्मर जो है वो लैग बिहाइंड है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इन स्पाइट ऑफ द केनाल सिस्टम इन पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो नहरी निजाम है वो बेशक हमारे पास है, लेकिन द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन आर इनएडिक्वेट। हमारे जो आपाशी के सोर्सेज हैं, जराए हैं, वो काफी नहीं है। हमारे पास पानी प्रोवाइड करने के जो तरीके हैं, सोर्सेज हैं, वो काफी नहीं है। और वाटर जो है वो वेस्ट होता है इन डिस्ट्रीब्यूटरीज एंड फील्ड्स। हमारे जो वाटर वेज हैं उसमें, और हमारे जो फील्ड्स हैं उसमें पानी जो है वो बहुत ज्यादा जाया होता है। और लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिवर वाटर जो है, जो हमारे दरियाओं का पानी है, वो बहुत बड़ी तादाद में जाया हो जाता है ओशंस में। और देयर आर नो एडिक्वेट मेजर्स टू स्टॉप दिस वाटर। और इस पानी को स्टोर करने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर मेजर्स नहीं है। एक्सेसिव लोड शेडिंग इफेक्ट्स ट्यूबवेल्स एंड दिस इज अनदर सेट बैक फॉर द क्रॉप्स। और हमारे पास बहुत ज्यादा, हमारे मुल्क में आपको भी पता है कि लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से जो इफेक्ट करती है हमारे ट्यूबवेल्स की वर्किंग पे, और दिस इज एन अनदर सेटबैक फॉर द क्रॉप्स। और ये हमारी फसलों के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो सेटबैक है, इससे हमारी फसलें जो है उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। उसके बाद है जी लैक ऑफ इंटेंसिव कल्टीवेशन। और हमारे पास जो जो कल्टीवेशन है, जो हमारे पास पाकिस्तान में एडवांस्ड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चरल मशीनरी है, दैट इज नॉट वेरी पॉपुलर। हम इनको बहुत ज्यादा इन चीजों के ऊपर जोर नहीं देते, इन चीजों को बहुत ज्यादा फॉलो नहीं करते। इसलिए हम चूंकि एडवांस्ड सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और एग्रीकल्चरल मशीनरी को यूज नहीं करते, इसलिए लेस अटेंशन जो है वो पे की जाती है टुवर्ड्स कल्टीवेटिंग मोर एंड मोर क्रॉप्स ऑन एग्रीकल्चरल लैंड। तो एग्रीकल्चरल जो जमीन है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाने का जो ट्रेंड है हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। और हमारा बहुत ज्यादा एरिया जो है वो जो उसको अटेंशन पे नहीं हो पाती। उसके बाद है एग्रीकल्चरल लैक ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट। जो हमारे एग्रीकल्चरल कर्जे हैं वो भी हमें अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में, जो ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जो हमें ज़राई कर्जे प्रोवाइड कर सकें, जो हमें एग्रीकल्चरल लोन्स जो है वो
प्रोवाइड कर सकें, तो फार्मर्स जो है वो ये लोन्स जो उन्हें चाहिए होते हैं वो प्राइवेट पर्सन से हासिल करते हैं, वो उन लोगों से हासिल करते हैं जो प्राइवेटली कर्जे जो है वो देते हैं। तो चूंकि वो लोग आपको मनी तो लेंड कर देते हैं लेकिन दे डिमांड ह्यूज इंटरेस्ट, वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर इंटरेस्ट मांगते हैं, उसके ऊपर सूद मांगते हैं, और लोग जो है उससे एक्सप्लॉइट होते हैं, लोग जो है वो उससे परेशान हो जाते हैं किसान, और इस वजह से किसान जो है वो अवॉइड करते हैं टू टेक लोन्स फ्रॉम द प्राइवेट पर्सन और फ्रॉम स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। तो अगर हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस हो जो प्रोवाइड करें मुल्क में लोन की फैसिलिटी, तो उससे हमारे जो बहुत ज्यादा बेहतर हो सकते हैं हालात। उसके बाद है स्टिल वाटर लॉगिंग एंड सेलेनिटी, वही प्रॉब्लम के हमारे जो बहुत बड़ा जमीन का पोर्शन है वो कल्टीवेबल नहीं है, क्योंकि वाटर लॉगिंग और सेलेनिटी की वजह से द लैंड हैज बीन डैमेज्ड, और इसके बिसाइड्स एवरी ईयर अ लॉट ऑफ लैंड फॉल्स विक्टिम ऑफ रिवर इरोजन, जो हमारा दरियाओं का कटाव है उसकी वजह से बहुत ज्यादा हमारी लैंड जो है वो हर साल वो जो है वो खराब हो जाती है, और इससे हमारा जो वो एरिया जिससे हम एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, फर्टाइल एरिया को हम अंडर कल्टीवेबल कंडीशन में ला सकते हैं, वो हम नहीं कर पाते, ठीक है जी। और इससे हमारा जो जरखेज रकबा है वो कम हो जाता है। उसके बाद है लैक ऑफ एफिशिएंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और हमारे पास बहुत अच्छा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं है, तो हमारा जो मुल्क में बहुत डिफिकल्ट है फॉर फार्मर्स टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे पास मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम है और फार्मर्स के जो है वो मार्केट तक दे डोंट हैव एक्सेस, वो फार्मर्स मार्केट तक नहीं जा सकते, और जो मिडल मैन होता है, मिडल मैन वो होता है जो दरमियान में दलाल होता है, जो आप फार्मर से फसल खरीदता है, चीजें खरीदता है और मार्केट में बेचता है, तो वो जो है वो एक्सप्लॉइट करता है फार्मर को, और जो है वो फार्मर्स को इतना अच्छा पे नहीं करता, और इस वजह से जो फाइनेंशियल कंडीशन है फार्मर की वो बेचारे की गरीब गुर्बत ही रहती है। फिर उसके बाद प्लांट डिजीजेज हैं, बहुत सारी डिजीजेज जो हैं वो प्लांट्स को ख़त्म कर देती हैं, वीक कर देती हैं, और उसकी वजह से बीमारियों की वजह से बहुत ज़्यादा हमारी फसलें तबाह हो जाती हैं, और अकॉर्डिंग टू दी एस्टिमेशन पाकिस्तान में 25% तक जो हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है प्लांट डिजीजेस की वजह से। उसके बाद बैकवर्डनेस ऑफ फार्मर्स है, हमारा फार्मर जो है, हमारा किसान जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो बैकवर्ड है, वो जो है वो पसमानदा है, जिसकी वजह से हमारी जो जमीन है वो हम उस तरह से उसको प्रोड्यूस प्रोडक्शन नहीं ले पाते जिस तरह से हमें लेना चाहिए। तो फार्मर की जो इलिटरेसी है, फार्मर का जो ना खानदा होना है, जाहिल होना है, ना अनपढ़ होना है, वो बहुत बड़ा रीजन है हमारी फसलों की प्रोडक्टिविटी को, प्रोडक्शन को कम करने के लिए, और इससे हम अगर हम इन जो हमारा फार्मर है वो चूंकि अनएबल है टू लर्न न्यू मेथड, इसलिए हम बेटर प्रोडक्शन प्लान्स जो है वो अनएबल टू जो है वो अवेल हो जाते हैं। उसके बाद प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और हमारी जो जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज्यादा कम है, और किसान जो है उसका काश्तकारी की बजाय जो दीगर डिफरेंट मुलाजमीन और कारोबार दूसरी कारोबार को तरजीह देते हैं, जिससे हमारी एग्रीकल्चरल जो है वो कम हो, ठीक है जी, बजाय इसके कि वो कहते हैं हमें इतना कम पैसा मिलना है, इससे बेहतर है हम कोई और काम कर लें, और इससे हमारी जो एग्रीकल्चरल कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, वो बहुत ज्यादा और कम हो। क्लियर?
नाउ दीज वर दी प्रॉब्लम्स जो हमारे अटैच्ड थे विद आर एग्रीकल्चर सेक्टर। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इस क्वेश्चन में कोई चीज लर्न करने वाली नहीं है, देर इज नथिंग न्यू टू लर्न। सिर्फ आप इनकी हेडिंग्स को अगर याद कर लें तो यू कैन वेरी इजीली राइट फ्यू लाइंस अंडर दोज हेडिंग्स। आप आराम से उन हेडिंग्स के अंदर अपनी कुछ लाइंस जो है उनको एड अप कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन जो है उसको बहुत इजीली आराम से कर सकते हैं, और सिर्फ इन हेडिंग्स को आप लर्न कर लें। उसके बाद है आपका सॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। हमारे जो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो ज़रात के मसाइल हैं, उनका हल क्या है, उनके सॉल्यूशन क्या है, ये आपके नेक्स्ट पेज पर है सॉल्यूशन। तो नाउ टर्न योर पेज। ठीक है जी। अच्छा, अब ये मैं आपको एक छोटा सा बता देती हूँ टेक्स्ट टू हैंडल दिस क्वेश्चन। अगर तो वो आपको पूछे क्वेश्चन के मेन प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर आप बताएं, तो आपने ये सारे पॉइंट्स जो हमने पीछे पढ़े हैं ये लिख देने हैं। अब ये जो पॉइंट्स हैं, अगर हम इनका सोल्यूशन दे दें कि ये चीजें ओवरकम कर लें, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। तो जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं एग्रीकल्चर के, वो प्रॉब्लम्स अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, अगर हम उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लेते हैं, अगर हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते हैं, तो फिर हमें सॉल्यूशन मिल जाता है एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वही जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर हम उनको सॉल्व कर लें तो वही हमारे सॉल्यूशन बन जाए। ठीक हो गया बेटा? अब है जी, सबसे पहला सॉल्यूशन जो हमारे एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स का है वो क्या है कि फार्मर्स शुड बी गिवन इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है, उन्हें अच्छे लोन्स दिए जाएं जिनसे वो बगैर इंटरेस्ट के जिन्हें लोन्स दें, ताकि वो लोन लेने में हिचकिचाहट महसूस ना करें और लोन को आराम से जो है वो अवेल करें। और यूज ऑफ दीज लोन्स शुड बी सुपरवाइज्ड, और जब ये लोन उन्हें दिए जाएं तो इन लोन्स को सुपरवाइज भी किया जाए थ्रू द अथॉरिटी, ताकि वो अमाउंट जो उनको एज ए लोन जो है वो दी गई है, उस को वो फजूल खर्ची में एक्स्ट्रावेजेंटली जो है फजूल खर्ची से स्पेंड ना करें, खर्च ना करें, और वो जिस मकसद के लिए उन्होंने लोन लिया है उसी मकसद के लिए वो उस लोन को यूटिलाइज करें। ठीक हो गया। सेकेंड है जी, फॉर इरिगेशनल पर्पजेज डैम्स शुड बी बिल्ट टू स्टोर रेन वाटर। ठीक है, और हमारे जो एग्रीकल्चर जो क्योंकि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है फसलों को पानी देने का, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि प्रॉपर टाइमिंग्स पे प्रॉपर क्रॉप्स को पानी प्रोवाइड करना, पानी जो है उनको इरिगेशनल पर्पजेस के लिए प्रोवाइड करना, दैट इज सपोज टू बी द बिग प्रॉब्लम फॉर आर बिग इशू फॉर आर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक बहुत जो है हमें डैम्स बनाने चाहिए, ताकि हम पानी को स्टोर कर सकें। जो बारिश का पानी है, जो रेन वाटर है, वी शुड स्टोर रेन वाटर सो दैट इन डिफिकल्ट टाइम वी कैन यूज दोज डैम्स एंड वी कैन यूटिलाइज द रेन वाटर इन अ बेटर वे। ठीक है जी। एंड अब क्या होगा जब हम स्टोर करेंगे पानी को, दिस विल हेल्प इन प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म कॉज्ड बाय फ्लड्स। और हम इस
इरिगेशनल पर्पसेस से जो हम पानी को स्टोर करेंगे उससे हम इरिगेशन पर्पसेस को भी यूज करेंगे, इरिगेशनल पर्पसेस के लिए भी, और उसके अलावा हम स्टोरेज जो पानी का होगा डैम्स में उससे हम बिजली भी प्रोड्यूस कर सकेंगे, और उस बिजली को प्रोड्यूस करने के साथ साथ हम जो है वो बिजली की पैदावार को बढ़ा भी सकेंगे। ठीक हो गया बेटा। और ट्यूब वेल्स एंड वेल्स शुड बी स्टेब्लिश्ड वेयर कैनाल वाटर इज नॉट अवेलेबल टू एनकरेज फार्मर्स, और जहां पर हमारा जो है वो ट्यूब वेल्स और हमारे जो है वो कुएं जो है उनको भी बनाना चाहिए, हमारे जहाँ कैनाल्स का पानी जो है वो अवेलेबल नहीं है वहां पर हमें कुएं और ट्यूब वेल्स बनाने चाहिए, प्रमोट करना चाहिए फार्मर्स को कि वो ट्यूब वेल्स और वेल्स जो है उनको स्टेब्लिश करें ताकि पानी की जो नॉन अवेलेबिलिटी है उसको ओवरकम किया जा सके। और इलेक्ट्रिसिटी शुड बी मेड अवेलेबल फॉर ट्यूब वेल्स एट चीपर रेट्स, और जो हमारी इलेक्ट्रिक सिटी है उसको भी अवेलेबल किया जाए, उसको भी मुहैया किया जाए हमारे फार्मर्स को, सो दैट के वो जो हमारे ट्यूबवेल्स हैं उनको रेगुलेट कर सकें, और हमें ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चीपर रेट्स के ऊपर हमारे फार्मर्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके बाद है जी, वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी आर अ बिग हिंड्रेंस इन द रोड टू एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। ठीक है, वाटर लॉगिंग और सेलिनिटी अभी मैंने आपको बताया है कि क्या चीजें हैं। सो वी शुड कंट्रोल वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी इन ऑर्डर टू मेक इन ऑर्डर टू डेवेलप आर एग्रीकल्चरल सेक्टर, और दिस मेक्स एग्रीकल्चरल लैंड अनकल्टिवेबल, क्योंकि ये हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको अनकल्टिवेबल बनाते हैं, उसको जरखेज नहीं रहने देते, उसकी जरखेजी को कम करती है, और एग्रीकल्चरल जो हमारा लैंड होता है उसकी अमाउंट जो है वो कम हो जाती है। और टू गेन कंट्रोल ओवर दीज प्रॉब्लम्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, और इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए एक लंबी प्लानिंग जो है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो हमें उसकी जरूरत है, सो दैट कल्टिवेबल लैंड शुड बी सेफ फ्रॉम हार्म, नुकसान से बचा सकें उसको, अपनी सरफेस जमीन को। और मेजर्स टू इरिगेट वाटर लॉगिंग एंड सेलिनिटी शुड बी टेकन टू सेव फर्टाइल लैंड फ्रॉम द इरोजन, ट्रीज शुड बी प्लांटेड, और वाटर लॉगिंग और सेलिनिटी को खत्म करना चाहिए ताकि हम अपनी लैंड को सेव करें, और जो हमारी इरोजन है, जो हमारा मिट्टी वगैरह बहा के पानी ले जाती है, उसकी सोल्यूशन के तौर पे हमें ट्रीज प्लांट करने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है कल्टीवेबल एरिया जो है पूरा उसको हमें यूज करना चाहिए, और जो हमारे बैरन एरियाज हैं, डेसोलेट एरियाज हैं, को भी कल्टीवेबल बनाना चाहिए। उसके बाद टू इंक्रूज इंक्रीज द पर एकर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस एंड अदर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन शुड बी एनकरेज्ड, और हमारी पर एकर प्रोडक्शन गंदम चावल वगैरह की जो है वो बढ़ाने के लिए अच्छे सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और साइंटिफिक जो मेथड्स हैं उनको हमें एनकरेज करना चाहिए। एग्रीकल्चरल रिसर्च सेंटर्स जो हैं वो भी हमें स्टेब्लिश करने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम द हार्म्स, जो हमारे जो हमारा जो फार्मर है जो हमारा जो फार्मर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो हमारी